92.7 बिग एफएम पर एक बार फिर से देख रहे हैं आप मुझे यानी बिग एमजे सिड को, और मैं बेस्ट स्कूल ऑफ कानपुर ढूंढता हुआ आ गया हूँ डीपीएस कल्याणपुर, विच इज द दिल्ली पब्लिक स्कूल कल्याणपुर। दिल्ली पब्लिक स्कूल की बहुत सारी ब्रांचेस है कानपुर में, बट कल्याणपुर हैपेंस टू बी द मोस्ट पॉपुलर वन, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अभी तक के वोट्स कह रहे हैं। लेट्स सी व्हाई द स्कूल इज सो पॉपुलर। चलते हैं अंदर। तो अब मुझे मेरे लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड फरहान, जो कि यहाँ के मीडिया कोऑर्डिनेटर एज वेल एज मैथ्स टीचर भी है, मिल चुके हैं। जाएंगे और स्कूल देख के आएंगे कि व्हाई इज डीपीएस कल्याणपुर सो पॉपुलर। ये आपको कंप्यूटर लैब लग रहा है, बट इट इज नॉट अ कंप्यूटर लैब, इट इज एनिमेशन लैब। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लैब इन कानपुर ऑफ एनिमेशन लैब। एनिमेशन एनिमेशन तो मतलब कंप्यूटर लैब है कौन? दिस इज नॉट अ कंप्यूटर लैब। कंप्यूटर लैब तो हमारे यहां 5 है, बट 5 है, 5 कंप्यूटर लैब। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एज वेल एज एवरीबॉडी नोस अबाउट इट। ओके, आप ये सोच रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स आर्चरी सीख रहा हूँ मैं, एंड इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द फिल्म बाहुबली। ये इसी तरीके से सीखी जाती है। मेरे साथ यहाँ के सर हैं जो मुझे आर्चरी सिखाए। सर आपका नाम क्या है? राजेंद्र सिंह यादव। राजेंद्र सर, ये बताइए कि आर्चरी में मतलब हाउ डू आई गो अबाउट इट? पहले इसको ऐसे पकड़ने को आपने बताया थ्री फिंगर्स से, एंड देन ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा, इसको डाउन करेंगे, इसको डाउन करेंगे, एंड स्ट्रेच यार, स्ट्रिंग को स्ट्रेच करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, और स्ट्रेच करिए। चिंतक सर, चिंतक नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, और स्ट्रेच एंड स्ट्रिंग को छोड़ दीजिए। अरे वाह, क्या बात है, माय फर्स्ट टाइम आर्चरी, थैंक यू सर। और अब हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं डिस्कस चैंपियन सानिया के साथ। जस्ट इन केस आप नहीं जानते हो कि डिस्कस क्या है, चक्का, ये जो चक्का फेंक कैंप चैंपियनशिप होती है, दिस चक्का इज कॉल्ड द डिस्कस। और सानिया कितने वजन का होता है? 1 kg का होता है, जिसको सानिया फेंकती है, और फेंकते फेंकते आज चैंपियन बन गई है। आई वांटेड टू बी सिलेक्टेड इन ओलंपिक्स एंड आई वांटेड टू बी इन डिस्कस, आई वांटेड टू बी मेक माय करियर इन डिस्कस। तो आगे प्लान्स है ओलंपिक तक जाने का, दैट इज द हाईएस्ट लेवल फॉर एनी स्पोर्ट्स पर्सन। तो कांग्रेचुलेशन सानिया चैंपियन बनने के लिए, एंड बेस्ट ऑफ लक। पूरे स्कूल का राउंड लगा लिया हमने, हर तरह की फैसिलिटी स्कूल में जो है वो देख ली स्टूडेंट्स के लिए, एंड अब मैं प्रिंसिपल रूम में हूँ विद द प्रिंसिपल ऑफ डीपीएस कल्याणपुर डॉक्टर अर्चना निगम। गुड आफ्टरनून मैम। मैम, डीपीएस कल्याणपुर कानपुर के बेस्ट स्कूल की जो वोटिंग चल रही है उसमें अभी टॉप पे, सो व्हाट इज द सीन? I would also like to convey my thanks to the people of Kanpur for voting for us and making us number one in the polls. Thank you so much, Kanpur. School ke major highlights aapki nazar mein kya hai? Kya hai school ki strengths? School ki strength, like after 17 years now, I can say your directions basically right from the very beginning, the school, this direction we work kar raha hai. Basically, that must have been very good. Right from the very, because you know the our alumni speak for it, the children performing at the various levels, and also at the volunteer level, and also standing very strong globally with a lot of confidence, that speaks volumes about the school. Final message, ma'am, kya kehna chahiye? Ye kehna chahiye to remain at the top, you just have to go beyond the average. You have to excel in all the fields. Aur bachche agar multi talented ya multitasking nahi honge, तो फिर क्या डिफरेंस रह जाएगा? बिकॉज अलॉन्ग विद एकेडमिक्स द चिल्ड्रन हैव टू बी गुड इन मेनी फील्ड्स। ये डिमांड है वर्ल्ड की, ये डिमांड है एजुकेशन की, एंड एजुकेशन इज ऑल अबाउट क्रिएशन एंड इनोवेशन। हम कानपुर के दर्शकों से सबसे अपील करते हैं कि आपको अगर हमारा स्कूल अच्छा लगता है और आपको लगता है कि यहाँ की वर्किंग और डायरेक्शंस अप टू द मार्क हैं और इट इज़ अप टू अ सर्टेन स्टैंडर्ड, प्लीज़ वोट फॉर अस। थैंक यू सो मच।